वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक। और आज शाम को अगेन वी आर बैक विथ आवर टॉपिक ऑफ इंजरीज। ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग कई बार मेरा मन करता है कि मैं आपसे भी पूछूं कि आपकी ये जर्नी कैसे जा रही है। सो आज जो लोग इसको देख रहे हैं ना प्रोग्राम को, डू लेट मी नो दैट ऑल्सो ऑन द चैट विंडो, हाउ इज दिस जर्नी गोइंग फॉर यू। वी हैव बीन गोइंग लाइव यू नो करंटली फॉर लास्ट 15 डेज एंड इन लास्ट 5 डेज वी हैव स्टार्टेड टू डू द मॉर्निंग एमसीक्यू सेशंस ऑल्सो, दैट इज मिड डे 12 नून। एंड इट्स अ वेरी वेरी न्यू एक्साइटिंग एडवेंचर फॉर मी। एक नया तरीके का प्लेटफॉर्म है जिससे आप और मैं आजकल एक साथ मिल रहे हैं। एंड अगर इस एडवेंचर को मैं एट्रीब्यूट करना चाहूँ, सो आई वुड से दैट आई वुड एट्रीब्यूट दिस एडवेंचर अनफॉर्चुनेटली टू द पैंडमिक कोरोना, बिकॉज अगर ये नहीं होता देन यू नो वी वुड हैव पॉसिबली हैड मोर एवेन्यूज टू मीट। बट देन थैंक्स टू द लॉकडाउन and thanks to the technology and thanks to Unacademy that we people can make use of this technology and be with each other. ठीक है, so आज का जो हमारा series of lecture है, as you know that it's thermal injuries and this is lecture 6 in the series of lectures of injuries. तो आज के लेक्चर को लेकर के अगर आपको कोई भी क्वेरी होने वाली है तो आप जानते हो दैट यू कैन कनेक्ट मी एट टेलीग्राम ऐप। ओके, एंड उसका जो लिंक है दैट इज livedaily.me@neetpg। मैं कौन हूँ? मैं आपका अब तो मैं पुराना कह सकता हूँ, मैं आपका पुराना साथी, मैं आपका ओल्ड फ्रेंड। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमित तलेवार, आई एम एमडी इन फोरेंसिक मेडिसिन एंड वी हैव बीन यू नो इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर फॉर लास्ट फ्यू वीक्स। आई हैव हैड प्रिविलेज ऑफ टीचिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नीट एस्पायरेंट्स और एम्स एस्पायरेंट्स और एमडी एमएसपीजी एंट्रेंस एस्पायरेंट्स इन 15 ईयर्स प्लस जो जर्नी रही है मेरी, एंड इट्स अ प्रिविलेज टू बी विद यू ऑल नाउ। ओके, एंड इस जर्नी को हम दोनों के बीच कौन लेके आ रहा है? इस जर्नी को लेके आ रहा है अन अकेडमी विच इज डू यू नो इज द लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इन आर कंट्री राइट नाउ विद अबाउट 200 million plus views throughout the month, 200 plus million views हैं throughout the month। और पता है आपको इतने views क्यों हैं Unacademy के? Because Unacademy के subscription में आपको मिल रही हैं live classes। चाहे आप घर पे बैठे हो, but still there are people who are educators who are dedicated to give you live sessions at your home। आपको मिल रहे हैं इंटरैक्टिव क्लासेस विद एजुकेटर, आपको मिल रहा है टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस ताकि आप घर पे बैठ करके ऐसा ना सोचो दैट मैं क्लासरूम में नहीं जा रहा हूँ सो आई मे बी लैगिंग बिहाइंड। नो, अपडेटेड टेस्ट सीरीज विद रेलेवेंट एनालिसिस आर अवेलेबल एट द इनसाइड ऑफ योर पॉकेट इटसेल्फ। यू जस्ट नीड टू पुल आउट योर फोन एंड गो टू द ऐप एंड जस्ट स्टार्ट answering certain tests to practice your exams. Live doubt clearing sessions हैं यहाँ पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मुझे नहीं आई समझ में, तो आप अपने आप को doubt clearing के भी live sessions पे ले जा सकते हो, ठीक है। उसके सिवाय एक बहुत ही बढ़िया feature है, that is special class। आप अगर अनअकैडमी के ऐप पे जाओगे ना, वहाँ पर नीट पीजी के सेक्शन में देखना, टैब दिखाई देगा स्पेशल क्लास। दीज आर क्लासेस विच आर डिजाइन एग्जैक्टली
on the purview of NEET PG Plus. So go and have a view of these special classes. They are absolutely free. And once you enjoy that purview, jo mujhe malum hai, aapko hone hi wala hai, then go for an academy subscription. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना. नीट पीजी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ऐप पे सब्सक्रिप्शन का बटन जो होगा उसको प्रेस करो और 12 महीने का या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीद लो. 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको इस प्राइस पे मिलता है, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको इस प्राइस पे मिलता है. सो कैन यू सी द डिफरेंस? Although 24 महीने का सब्सक्रिप्शन इज डबल द टाइम ऑफ 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, मगर प्राइस डबल नहीं है. और ये वाला प्राइस आपको पता है कब मिलता है? ये वाला प्राइस मिलता है इफ यू यूज माई रेफरल कोड, दैट इज DRSUMITLIVE, डॉक्टर सुमित लाइव. आपको ये रेफरल कोड यूज करना है टू गेट टू दिस प्राइस. जब आप सब्सक्रिप्शन बाय करोगे वहां आपको मिल जाएगा to apply a referral code, वहां पर आपको ये कोड अप्लाई कर देना है. That's all. ठीक है, so जल्दी से प्लस के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ. जो कुछ उससे पहले आप अपने लिए देखना समझना चाहते हो टू गेट टू प्लस प्लेटफॉर्म, पूरी तसल्ली करो. ओके, पूरी तसल्ली के लिए ही मैंने आपको बोला है स्पेशल क्लासेस भी देखो. एंड वेन यू आर एट द प्लस प्लेटफॉर्म, इट विल बी अ कंप्लीटली न्यू एंड रॉन्डेवू जर्नी फॉर यू. आपका नीट पीजी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है जी, उससे पहले आपको ये वाली क्लास भी करनी है. अभी हमने स्टार्ट भी नहीं करी है क्योंकि ये क्लास करने के बाद आप सारी चीजों पे आराम से जाओगे. तो हम ये वाली क्लास स्टार्ट करते हैं जहां पर मैंने कहा आज हमारा है इंजरी का लेक्चर नंबर 6. और आज हम लेक्चर नंबर 6 इन इंजरीज में बात कर रहे हैं, थर्मल इंजरीज की. हम बात करेंगे तीन हेडिंग्स में. विल टॉक अबाउट हाइपोथर्मिया, देन विल टॉक अबाउट बर्न्स, एंड देन विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो लेट्स बिगिन आर टुडेज टॉक विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हाइपोथर्मिया. ओके, so what is a hypothermia? What is hypothermia? When we say a condition called as hypothermia, it's a condition when the temperature of the body drops below 36 degrees centigrade. Okay, when the condition of the temperature of the body drops below 36 degrees centigrade, we term that condition as hypothermia. Now hypothermia tends to have four categories, or you can say four phases of hypothermia: mild, moderate, severe, profound. Okay, mild, moderate, severe, and profound. Mild is termed as when the temperatures of the body are between 36 and 32. So they drop from 36, but they are in between 36 and 32. The lower limit is 32 degree centigrade. And how will the patient present in this condition? Shivering. The most important and most consistent feature of hypothermia. Most important and most consistent feature of hypothermia. And how is his orientation? He is well oriented. So uski jo senses hain, they are all intact. He is well oriented and patient presents with shivering. Theek hai? Now as the temperature of the body lowers down still so that they get below 32 degrees, the person enters into a phase called as moderate hypothermia. So 32 to 28 is taken as moderate hypothermia. And how does the patient present in moderate hypothermic ranges? Shivering stops.
Okay, shivering stops and the condition of the patient becomes drowsy. So his orientation is also impaired. Okay, now this concept of stoppage of shivering has been asked in MCQs. What is being asked? That beneath what temperature the shivering stops in cases of hypothermia, and the answer is 32 degrees centigrade. As the person moves from mild to moderate phase, shivering stops. Then if the person moves even below the moderate hypothermic temperatures, he moves into a condition called as severe hypothermia, and that is from 20 to 28 degrees centigrade, or you can say 28 to 20 degrees centigrade, because we are going down. Okay, this range is called as severe hypothermia. The presentation is no shivering, because shivering had already stopped when he climbed below 32 degrees centigrade. Now the orientation of the patient is that he is comatose. And what if the temperatures of the body slip even below, at temperatures less than 20 degrees centigrade? The person is called in a phase of profound hypothermia, where there is complete absence of vitals. Now this is the area which also has been asked in questions, because this is the area where the body seems to be in suspended animation. Okay, suspended animation is a condition where the metabolic requirement of the body cells is so low that it almost looks like that the body is not respiring. But if a prompt, adequate, instantaneous and comprehensive resuscitation is done, the person can be revived. ठीक है, तो सस्पेंडेड एनिमेशन जब आप पढ़ोगे, इनफैक्ट डेथ के टाइम पे मे बी हमने थोड़ा सा बात किया होगा, बट एनी हाउ सस्पेंडेड एनिमेशन जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा हाइपोथर्मिया इज वन ऑफ द कंडीशंस जहां पर सस्पेंडेड एनिमेशन देखी जाती है. ठीक है, सो ये जो क्लासिफिकेशन है ना विद वेरियस कैटेगरीज, यहां पर हाइपोथर्मिया से लेबल्ड बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं. ठीक है, नाउ टू इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट ईच एंड एवरीवन शुड रिमेंबर व्हेन दे टॉक अबाउट हाइपोथर्मिया इज टू कंडीशंस. ओके, वन इज कॉल्ड एज पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग. ओके, पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग, तो इसकी हम बात करेंगे जब हम हाइपोथर्मिया के एमसीक्यूज करेंगे. ठीक है, आज मैं आपको ये चीज दे रहा हूं कि आप इस चीज को याद रखो दैट देर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग विच इज सीन इन हाइपोथर्मिया. एंड टू इंपॉर्टेंट पोस्टमार्टम findings in hypothermic deaths. Postmortem तो hypothermic deaths में ही मिलेगी. ठीक है, ये findings क्या है? One is presence of Wisniewski's lesions
गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रेजेंस ऑफ विश्न्यूस्कीज लीजन्स इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड सेकेंड इज पैनक्रियाटिक फैट नेक्रोसिस. ओके, सो हाइपोथर्मिक डेथ्स में ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट सी पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स मिलती हैं. विश्न्यूस्कीज लीजन इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा, दे आर पिन पॉइंट ब्राउन टू रेड हेमरेजिक स्पॉट्स जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में मिलते हैं, एंड देन पैनक्रियाटिक फैट नेक्रोसिस दैट मे बी सीन ऑन ऑटोप्सी. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें हाइपोथर्मिया के बारे में याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है. दीज आर थिंग्स विच हैव बीन आस्क्ड इन द एमसीक्यू एग्जामिनेशंस. ओके, नाउ लेट्स एंटर इनटू द मोस्ट इलैबोरेट टॉक ऑफ टुनाइट, दैट इज फ्लेम बर्न्स. ओके, और जब ना हम फ्लेम बर्न्स की बात करते हैं, सो इट्स अ वेरी वेरी वास्ट वर्ल्ड. डेथ ड्यू टू बर्न्स फ्लेम से होती हैं. ओके, हाई वोल्टेज करंट से होती है, इलेक्ट्रिकल करंट से होती है, एंड वेट बर्न्स होते हैं जो स्टीम से होते हैं, हॉट लिक्विड से होते हैं, हॉट वाटर से होते हैं. बर्न्स कैन इवन बी कॉज बाय कोरोसिव सब्सटेंसेस, दे कैन बी कॉज बाय रेडिएशंस एंड प्लेंटी ऑफ अदर फैक्टर्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज the burns which has been caused by application of dry flame or dry heat. Flame जो होती है वो dry heat होती है, ठीक है, to the body, that is flame. So उसका एक world का synopsis देखते हैं. ठीक है, start करते हैं classification of flame burns. Traditionally flame burns have been classified in two ways. Number one, as per the depth that is involved, and number two, as per the body surface area that is involved. So हमें classical example क्या मिलता है जब हम flame burns की बात करते हैं classification में? एक तो important है depth, दूसरी चीज important है body surface area. Okay, the classifications that have been given as per the involvement of depth is Dupuytren's classification and Wilson's classification. Okay, so Dupuytren's and Wilson ne to burns ko classify kiya as per the depth it involved. Depth ka matlab ki skin se lekar ke kitna andar tak जला हुआ है, उसको बोलेंगे डेप्थ क्लासिफिकेशन. एंड बॉडी सरफेस एरिया क्लासिफिकेशन हैज बीन गिवन बाय वॉलेस, पॉपुलरली कॉल्ड एज रूल ऑफ नाइन. ठीक है, तो ना बर्न्स की क्लासिफिकेशन, बर्न्स की टॉक में क्लासिफिकेशन ही इतना इंपॉर्टेंट है कि यू मे हैव क्वेश्चंस और एमसीक्यू बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन इटसेल्फ. ठीक है, तो इन क्लासिफिकेशंस को भी एक बार ही देखते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन बाय द डेप्थ ऑफ द बॉडी विच इज इन्वॉल्व्ड. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द प्राइमरी वन हैज बीन गिवन बाय द फ्रेंच रिसर्चर कॉल्ड एज Dupuytren. दिस कॉल्ड एज Dupuytren's क्लासिफिकेशन, एंड Dupuytren's क्लासिफाइड बर्न्स इनटू 6 डिग्रीज. सो ही क्लासिफाइड बर्न्स इनटू 6 डिफरेंट डेप्थ. Each depth is a 1 degree of burn. So Dupuytren said first degree of burns is those where only epidermis is involved. So Dupuytren ka first degree burn kya hai, jahan par sirf epidermal involvement hai burn ka, that's all. Second degree is epidermal burn
बट अलॉन्ग विद इट देर इज ब्लिस्टर फॉर्मेशन. सो जहां पर ब्लिस्टर्स भी बन गए बर्न्स में, पर बर्न जो है वो एपिडर्मल ही है. दैट इज ड्यूपोट्राइन्स सेकेंड डिग्री. ओके, देन थर्ड डिग्री ऑफ ड्यूपोट्राइन्स इज डर्मल पेनिट्रेशन बट नॉट फुल थिकनेस. यानी कि बर्न्स जो है वो एपिडर्मिस से अब ट्रू डर्मिस में अंदर जा चुका है, तो थोड़ा और डीप इन्वॉल्वमेंट है, बट अभी डर्मिस की फुल थिकनेस इन्वॉल्वमेंट हुई नहीं है. दैट इज थर्ड डिग्री ऑफ ड्यूपोट्राइन. एंड फोर्थ डिग्री ड्यूपोट्राइन इज फुल थिकनेस डर्मल पेनिट्रेशन व्हेन इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट एपिडर्मिस एंड पासिंग थ्रू इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट थिकनेस ऑफ द डर्मिस ऑल्सो. ओके, फिफ्थ डिग्री इज व्हेन सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड मसल्स आर इन्वॉल्व्ड. ओके, एंड सिक्स डिग्री इज व्हेन इट पेनिट्रेट्स टू बोन फॉर बोनी इन्वॉल्वमेंट. सो अगर आप ड्यूपोट्राइन सी क्लासिफिकेशन देखो, बड़ी सिंपल सिंपल सी है. फर्स्ट डिग्री एपिडर्मिस में ही है बर्न, सेकेंड डिग्री एपिडर्मिस में है बट विद ब्लिस्टर बन गए, थर्ड डिग्री डर्मिस एपिडर्मिस को यू नो पियर्स करके वो डर्मल एरिया में भी चला गया है ट्रू डर्मिस में, बट अभी फुल थिकनेस इन्वॉल्वमेंट नहीं है. फोर्थ डिग्री जब फुल थिकनेस इन्वॉल्वमेंट हो गई ट्रू डर्मिस की. फिफ्थ, व्हेन इट गोज थ्रू द डर्मिस टू इन्वॉल्व सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड मसल्स. सिक्स, व्हेन इट इज सो डीप दैट इट इन्वॉल्व्स द बोन ऑल्सो. ओके, सिमिलरली इन डेप्थ क्लासिफिकेशन वॉज ऑल्सो गिवन बाय विल्सन. विल्सन की क्लासिफिकेशन भी एज पर डेप्थ ही थी, और विल्सन ने अपनी क्लासिफिकेशन में बर्न्स को तीन डेप्थ्स में ही बताया. ओके, ड्यूपोट्राइन्स ने छह डेप्थ्स में बताया, विल्सन ने तीन डेप्थ्स में बताया. विल्सन की तीन डेप्थ्स कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन फॉर विल्सन इज एपिडर्मल बर्न्स. तो विल्सन ने अपनी पहली जो डेप्थ बताई वो बताई एपिडर्मल बर्न्स. एंड विल्सन ने क्या कहा? व्हाट आर एपिडर्मल बर्न्स? व्हाटएवर इज द फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री ऑफ ड्यूपोट्राइन्स इट वॉज क्लासिफाइड एज एपिडर्मल बर्न्स बाय विल्सन. सिंपल. देन सेकेंड डेप्थ ऑफ विल्सन वॉज डर्मो एपिडर्मल. एंड विल्सन ने क्या बताया? व्हाट इज डर्मो एपिडर्मल बर्न्स? व्हाटएवर इज ड्यूपोट्राइन्स थर्ड एंड फोर्थ डिग्री आर डर्मो एपिडर्मल बर्न्स. सिंपल. एंड द थर्ड डेप्थ गिवन बाय विल्सन वॉज डीप. एंड व्हाटएवर इज फिफ्थ एंड सिक्स डिग्री ऑफ ड्यूपोट्राइन्स इट वॉज क्लासिफाइड एज डीप बर्न्स बाय विल्सन. So what do we see in the classification? That Dupuytren's classified burns into 6 degrees, Wilson classified burns into 3 degrees, and whatever is Wilson's epidermal is Dupuytren's first degree and second degree. Wilson's dermoepidermal is Dupuytren's third and fourth, and Wilson's deep is Dupuytren's fifth and sixth. So ye to hum baat kar rahe hain बर्न्स की डेप्थ इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन की. हाउ अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, जो बेसिकली ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं. क्लासिफिकेशन एज पर बॉडी सरफेस एरिया ऑफ बर्न्स. ओके, इस क्लासिफिकेशन में
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो है रूल ऑफ नाइन. वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट्स ऑफ MCQs हैव कम फ्रॉम दिस एरिया. ओके, दिस क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय वॉलेस, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलेस क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स. ओके, एंड वॉलेस ने क्या किया, उसने बताया कि हमारी अडल्ट बॉडी के जो बॉडी सर्फेस एरिया है ना, फ्रॉम हेड टू टो, ईच रीजन ऑफ द बॉडी इज अप्रॉक्सीमेटली 9% ऑफ द टोटल बॉडी सर्फेस एरिया. सो अगर आप ये फिगर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा हेड एंड नेक इज 9, चेस्ट इज 9, एब्डोमिन इज 9, फ्रंट ऑफ द आर्म इज 9, बैक ऑफ द आर्म इज 9. सो वन अपर लिम्ब इज, सॉरी, फ्रंट ऑफ द आर्म इज 4.5, बैक ऑफ द आर्म इज 4.5. सो एक अपर लिम्ब जो है वो टोटल 9 है. सो दो अपर लिम्ब, दो अलग अलग 9% ऑफ द बॉडी सर्फेस एरिया हो गए. देन फ्रंट ऑफ द लोअर लिम्ब इज 9, बैक ऑफ द लोअर लिम्ब इज 9. सो टोटल लोअर लिम्ब इज 18. तो दोनों अलग अलग लोअर लिम्ब 18 हो गए. सो अगर आप इन सबको देखोगे ना तो टोटल 11 नाइन्स बनते हैं. ये देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ प्लस सात, आठ प्लस नौ, और ये 10 अपर बैक और 11 लोअर बैक, 9 9. एंड 1% इज गिवन टू जेनाइटल सरफेस एरिया. That makes it a total of 100% body surface area. So depending upon कितना body surface area involvement है, उस हिसाब से burns को बोल दिया जाता है. For example, आपने सुना होगा कोई अगर आदमी जल गया है तो ऐसे बोलते हैं ना, he sustained 60% burns. तो 60% burns क्या है, his 60% of the body surface area was affected with burn injuries. अब उस 60% में से कितने superficial थे, कितने epidermally थे, कितने dermoepidermal थे, कितने deep थे, वो अभी नहीं पता हमें. But involvement was 60% of the body surface area. ठीक है. And जब हम body surface area की बात करते हैं ना, एक और important चीज हमें याद रखनी है, that is called as palm rule. अब भाई ये palm rule क्या होता है? This palm rule is applied for presence of patchy burns. क्योंकि जरूरी थोड़ी जब बॉडी जलेगी, मान लीजिए if I somebody sustain a burn injury on their right upper limb, so it's not important that whole right upper limb will be involved by the burn injury. There could be certain patches that may be spared and then the burn may be present in patches on the right limb. So how do we ascertain कि पैची बर्न्स कैसे देखे जाएंगे? तो पाम रूल से देखे जाते हैं. पाम रूल क्या कहता है? दैट द पामर सरफेस ऑफ द पर्सन डिवॉइड ऑफ दिस डिजिटल एरिया. ओके, द पामर सरफेस ऑफ द पर्सन, दिस कोरस्पॉन्ड्स टू 1% ऑफ हिज टोटल बॉडी सरफेस एरिया. सो जो आदमी जला है उसका ये जो पामर एरिया है ये उसकी बॉडी का 1% होता है सर्विस एरिया. सो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि कितने पैची बर्न्स है. ठीक है, तो पाम रूल को भी हमें याद रखना है इन रेफरेंस फॉर असेसमेंट ऑफ पैची बर्न्स टू सी द टोटल बॉडी सर्फेस एरिया इन्वॉल्वमेंट इन केसेस ऑफ बर्न्स. ठीक है जी, सिंपल है. तो हमने ये देख लिया कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं दोनों तरीके से. अब आगे आते हैं कि व्हेन पीपल सस्टेन इंजरीज ऑफ बर्न्स, यू नो दैट मेनी ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली डाई. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, व्हाई डू पीपल डाई, एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल आल्सो बिकॉज लॉट ऑफ रिसर्च हैज ऑलरेडी हैपेंड ऑन दिस इन दिस एरिया. एंड व्हाट हैज बीन फाउंड इज that people who after sustaining burn injuries are dying, they die because of the
स्टिपुलेटेड कॉजेस, और उनकी कॉज ऑफ डेथ फिर हम किस तरीके से देते हैं. दिस कॉज ऑफ डेथ इज गिवन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ डेथ पोस्ट सस्टेनिंग बर्न इंजरीज. तो एक नजर इस पे भी डालते हैं. यहां पर है टाइम ऑफ डेथ, यहां पर है कॉज ऑफ डेथ. ओके, सो इफ पीपल डाई विद इन फर्स्ट 6 hours आफ्टर सस्टेनिंग बर्न इंजरीज, द रीजन फॉर देयर डेथ इज प्राइमरी और न्यूरोजेनिक शॉक. फोरेंसिक में हम फर्स्ट 6 hours आफ्टर इंजरी को ना रीसेंट टाइम पीरियड भी कहते हैं. तो ये भी आपको याद रखना है, जब हम फोरेंसिक की बात करते हैं और हम ये कहते हैं दैट यू नो दिस इंजरी इज रीसेंट. रीसेंट मीन्स पहले 6 घंटे के अंदर की है. सो फर्स्ट 6 hours is the critical recent time period. So if somebody tells asks you a question that how do people die in recent time after sustaining burn injuries, the answer is same, that is primary shock. Those who survive the recent time period and they are taken to hospital and they are resuscitated accordingly, but unfortunately they die within the 24 hours, that is between 6 to 24 hours, yani ki 6 ghante baad but pehle din ke andar andar, they are dying of hypovolemic shock because that's the time when hypovolemia is supervening. Okay, if they do survive the time period of hypovolemia and they die between 1 to 3 days, they die of toxemic shock, toxemia of burns. Okay, if they do survive this time period also and they die 4 days or later, they are dying of septicemic shock. By this time septicemia have supervened. Theek hai. तो ये भी हमने एक तरीके का एमसीक्यू ही देख लिया. इनफैक्ट ये एमसीक्यू पूछा भी गया है, नॉट वेरी रिपीटेडली, दैट डिपेंडिंग अपॉन व्हेन द पर्सन डाई व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ एट दैट पॉइंट एट दैट टाइम पीरियड इन केसेस ऑफ बर्न इंजरीज. सो फर्स्ट 6 hours न्यूरोजेनिक शॉक, फर्स्ट डे हाइपोवोलीमिया, 1 to 3 days टॉक्सिमिक शॉक, एंड ग्रेटर देन 4 days सेप्टिसिमिक शॉक. All kinds of shocks are responsible as direct cause of death due to burn injuries. Indirect cause तो बहुत सारी भी हो सकती है, क्योंकि जहां इंसान जलता है वहां पर बाकी चीजें भी जल रही होती हैं, और अगर वो कोलैप्स वहीं हो जाए ड्यू टू हिम बींग अनकॉन्शियस, ही मे डाई ऑफ सफोकेशन, ही मे डाई ऑफ इनहेलिंग नॉक्सियस गैसेस, इफ ही इज ट्रैप्ड इन अ बर्निंग बिल्डिंग, ओके, and he has fallen unconscious, then something may fall onto his body, so it could be a death due to injury because of falling masonry also. And then even if people survive beyond 4 days or beyond many weeks also, they may still die because of protein malnutrition, because burns is a high catabolic state, people kai bari recover hi nahi karte. Theek hai, so complications or other factors that may kill a person, they could be many. Asphyxial deaths ho sakti hai because of suffocations and all, humne baat kari. But what is the direct cause of death when we are talking about, you know, flame burns? Toh wo sabhi tarike ke shock ho sakte hai. That's what we saw just now. And what shock is supervening at what time period? That's what we, again, something that just has been seen by us. Okay. Now, as we are talking about heat ruptures, flame burns, it's important to talk about a very, very important finding that may be seen in some of
the dead bodies that we receive for autopsy called as heat ruptures. तो सबसे पहले तो मैं आपको heat rupture दिखाना चाहता हूँ कि वो होते कैसे हैं और वो दिखते कैसे हैं. उसके लिए concentrate on this area. If you will see the areas that I have encircled, you will be able to see that the skin in that area has broken, has ruptured off. Kaise? You can compare the skin which is present here, or you can see the skin which is present here as compared to the skin which is present here. These are heat ruptures. अच्छा आप समझते हैं कि ये हीट रप्चर्स होते क्या हैं और इसकी इतनी क्या इंपॉर्टेंस है कि मैं आपको इसकी फोटोग्राफ दिखा रहा हूं. ठीक है. टू अंडरस्टैंड अ हीट रप्चर कंसिडर अ पर्सन. वो मान लीजिए किसी फैक्ट्री का लेबर है और फैक्ट्री में लग गई है आग और अब ना वो बच नहीं सकता. सो ही इज गॉटन ट्रैप्ड इनटू दैट फैक्ट्री. सो ही सस्टेन्स बर्न इंजरीज एंड ही कोलैप्सेस. मे बी ही डाइज. ओके. बट द फैक्ट्री इज स्टिल बर्निंग एंड इफ हिज बॉडी इज नियर अ सोर्स ऑफ फ्लेम इवन आफ्टर हिज डेथ हिज बॉडी विल कीप ऑन बर्निंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो बॉडी जब लंबे समय जलती है ना तो क्या होता है कि वो बॉडी के एरिया वो मस्कुलर एरिया बॉडी के जो फ्लेम के पास है who are near to the source of flame, they keep on burning for a long time. As a result, the muscles in that area, they start to cook up. Muscles pakna chalu kar deti hai. And so, the muscles, they lose their adjustability and they start to stretch the overlying skin. And the overlying skin in that area, which is also under the effect of the flame, even that loses its tensile strength and because of the muscular pull the overlying skin ruptures. Now this is called as heat rupture. So heat rupture ke jo humne development hai usme kya dekha, that it is due to prolonged burning of a body area. Aur prolonged burning kab hogi? Obviously when the person is dead. क्योंकि अगर वो जिंदा होगा तो वो अपने बॉडी एरिया को लंबे समय तक क्यों जलने देगा. वो तो भागेगा ना रेस्क्यूइंग के लिए. सो इट हैपेंस व्हेन द पर्सन इज डेड. ओके. सो इट मींस दैट डेवलपमेंट ऑफ हीट रप्चर्स इज अ पोस्टमार्टम फिनोमेना. ठीक है ना. इट मींस दैट हीट रप्चर्स आर postmortem phenomena. ठीक है. और क्या चीज हमने देखी हीट रप्चर में? दैट अंडरलाइंग मसल्स आर कुक्ड. तो अंडरलाइंग मसल्स का अपीयरेंस कैसा होगा? कुक्ड. ओवरलाइंग स्किन गेट्स रप्चर्ड. दैट्स व्हाट वी सॉ. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज before qualifying these as heat ruptures only, क्योंकि हमने जैसे ही autopsy पे इन चीजों को heat rupture qualify किया ना, हम ना एक automatic information provide कर रहे हैं. और अगर आपको अभी भी मेरी hidden lines में समझ में नहीं आया तो मैं आपके सामने बोलता हूँ, what information are we providing if we qualify these injuries on the body as heat ruptures is that body kept on burning for a long time. There was nobody to save the person, even if the person was dead. So nobody made any attempt to rescue the body or maybe earlier to save the body. Okay? So heat ruptures
को हीट रप्चर ही क्वालिफाई करना भी इतना आसान नहीं है. क्यों? बिकॉज वी नीड टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम एनी एंटीमॉर्टम पेनिट्रेटिंग इंजरी. इवन दिस कुड बी पॉसिबल दैट द पर्सन वॉज अटैक्ड इन द एंटीमॉर्टम टाइम पीरियड, दस ही हैड दीज रप्चर्स और पेनिट्रेटिंग इंजरीज ऑन हिज बॉडी एंड सब्सिक्वेंटली हिज बॉडी वॉज बर्न्ड टू कंसील द होमिसाइडल अटेम्प्ट और द क्राइम. कांट दैट बी पॉसिबल? सो हम ना जब भी कोई चीज को क्वालिफाई करना चाहें हीट रप्चर्स, तो हमें ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि ये कहीं एंटीमॉर्टम पेनिट्रेटिंग इंजरी तो नहीं है. तो लेट्स सी हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन एन एंटीमॉर्टम पेनिट्रेटिंग इंजरी एंड अ हीट रप्चर. ठीक है, अभी तक अगर आपको मजा नहीं आया ना, तो इससे ज्यादा मजा कब आएगा. मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूं कि ऑटोप्सी में क्या चीजें करती हैं और कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं. सो लेट्स सी, एक तरफ है जी हमारे हीट रप्चर और दूसरी तरफ है एंटीमॉर्टम पेनिट्रेटिंग इंजरी. हमें इसे ऑटोप्सी में डिफरेंशिएट करना है. सो हीट रप्चर में स्किन कैसी होगी? होल्ड ऑन, हीट रप्चर में स्किन कैसी होगी? रप्चर्ड विद इरेगुलर मार्जिन. स्किन तो ऐसी होगी ना. एंड एंटीमॉर्टम इंजरी में स्किन कैसी होगी? मे बी रेगुलर और इरेगुलर मार्जिन. याद है हमने मैकेनिकल इंजरी कर ली है और उसमें हमने बात किए थे लैसरेटेड वुंड्स की भी, लैसरेटेड स्टैब वुंड्स की भी, इनसाइज स्टैब वुंड्स की भी, इनसाइज वुंड्स की भी. सो वी नो दैट थ्री डायमेंशनल पेनिट्रेटिंग इंजरी ऑन द बॉडी कुड हैव रेगुलर मार्जिन और दे मे हैव इरेगुलर मार्जिन. सो वॉट एवर, बट इरेगुलरिटी ऑफ द मार्जिन स्लाइटली गोज इन फेवर ऑफ हीट रप्चर, बट इट डज नॉट कन्फर्म इट एज अ हीट रप्चर. द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू सी is nerves and vessels in the floor of the injury. So nerves and vessels heat rupture में कैसे होंगे? See heat rupture में ऊपर से कोई injury तो हुई नहीं है. There was no instrument used. It's a postmortem phenomena where the skin has gotten ruptured because of constantly being burned. So nerves and vessels in the floor of the injury are going to be intact. And what will happen to nerves and floors in antemortem penetrating injury? High chances of them being cut or कट और सीवर्ड. ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट इफ वी डू फाइंड एन इंटैक्ट वेसल इनटू द फ्लोर ऑफ सच एन इंजरी विच इज हीट रप्चर, इन दिस इंटैक्ट वेसल बिकॉज ऑफ द हीट विच वॉज बींग अप्लाइड इन दैट लोकल एरिया, the blood also gets cooked. The vessel is intact क्योंकि vessel तो कटी नहीं थी heat rupture में, तो इस intact vessel के अंदर जो blood था वो भी पक जाता है. And when the blood gets cooked like that, वो जगह जगह पर छोटे छोटे cooked clots बना देता है. So you can say these are cooked clots of blood. This kind of an appearance is medico-legally called as
segmentally clotted blood vessel it's a very very important finding so if we do have segmentally clotted blood vessel in the base of the injury then we can say that this definitely is a heat rupture okay and one more important thing is that in the base of this injury if it is a heat rupture the muscles are cooked so the muscles have cooked up appearance whereas here the muscles are normal okay तो ये कुछ नेकेड आई फाइंडिंग्स हैं जो ऑटोप्सी में हम देख सकते हैं फॉर क्वालिफाइंग वेदर अ हीट रप्चर इज एक्चुअली अ हीट रप्चर और इट मे बी एन एंटीमॉर्टम पेनिट्रेटिंग इंजरी अगर हमने एक एंटीमॉर्टम पेनिट्रेटिंग इंजरी को गलती से हीट रप्चर बता दिया देन वी मे बी इक्वल पार्टनर इन कंसीलिंग दैट क्राइम ठीक है तो इस ना एरिया पे खूब सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं हीट रप्चर्स पे और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने चीज आपको आज बताई है दैट इज रिटन हेयर ओके दैट व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टमार्टम फाइंडिंग दैट विल क्वालिफाई हीट रप्चर एज हीट रप्चर इज प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटली क्लॉटेड ब्लड वेसल इन द बेस और द फ्लोर ऑफ द इंजरी ठीक है ओके इस इंफॉर्मेशन के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड नाउ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी ओके इलेक्ट्रिसिटी आप अगर ध्यान दो ना इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की होती है एक मैनमेड और दूसरी ऊपर वाले भगवान का गिफ्ट लाइटनिंग भी तो होती है भाई मैनमेड इलेक्ट्रिसिटी तो वो है जो हमने अपने घर के टीवी फ्रिज अप्लाइंसेस बल्ब ट्यूब्स लाइट को चलाने के लिए इन्वेंट करी है ठीक है और ऊपर से गॉड का गिफ्ट क्या होता है जब बारिश होती है तो थंडर स्टॉर्म्स में जो लाइटनिंग आती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है दोनों हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड बोथ ऑफ देम फॉलो दी प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है दैट वेन एवर इलेक्ट्रिसिटी हैज टू ट्रेवल थ्रू एनी सब्सटांस इलेक्ट्रिसिटी की दो डिमांड होती है क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू अर्थिंग विद मिनिमल रेजिस्टेंस पाथवे तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करने के लिए एक अच्छा कंडक्टर चाहिए होता है याद आया फिजिक्स अच्छा कंडक्टर क्या होता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है सो इलेक्ट्रिसिटी अगर बॉडी पे इंपैक्ट करेगी ना तो हमेशा वो ऐसे बॉडी के टिश्यूज से पास होने की कोशिश करेगी दैट विल हेल्प इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रेवल फास्टर टुवर्ड्स अर्थिंग बिकॉज दे हैव वेरी लो रेजिस्टेंस फॉर इलेक्ट्रिक करंट ओके सो पहली चीज तो हम यही देखते हैं कि बॉडी में ना इलेक्ट्रिक करंट को कौन कम या कौन ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ओके सो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें बॉडी में मेनली द रेजिस्टेंस इन द बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय स्किन यू नो एंड ड्राई स्किन प्रोवाइड्स अबाउट 100,000 ओम्स ऑफ रेजिस्टेंस याद आया ओम्स ना वो फिजिक्स में ऐसे बनाते थे ठीक है
So dry skin has maximum resistance which is offered to the electricity in the ranges of about 1 lakh ohms or 100,000 ohms. Dry callous skin has resistance of 10 lakh ohms. So agar dry skin ko hum agar callous wali skin bole na, jo dead skin hoti hai, you know, callosities ban jati hai skin mein when because of repeated pressure over a period of time. So even if you see dry callous skin, it absorbs, it provides even more resistance to the electricity, that is about 10 lakh ohms. Okay, but the moment skin becomes moist, the resistance drops down tremendously. Moist skin provides a resistance of about 100 ohm, 1000 ohms only. And if the skin is not moist, it is wet. Agar haath geela hi kar do aap, the resistance drops down to 100 ohms only. Okay, so can you see kitna significant drop hai? The moment skin becomes moist or wet, the resistance drops down like this. Theek hai? But fir bhi abhi humne kya dekha? Maximum resistance is provided by the skin. This is followed by bone, which is further followed by fat, then by muscle, and least by blood. तो ये तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में आती है तो इलेक्ट्रिसिटी कहां ट्रैवल करना चाहेगी. इलेक्ट्रिसिटी वुड लव टू ट्रैवल इन द एरिया ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, दैट इज इन द ब्लड वेसल्स. ओके, सो ये तो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का. नाउ एक बार ही देखते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का करंट बॉडी पे क्या इंपैक्ट ला सकता है. ओके, सो इंपैक्ट ऑन बॉडी ये रहा. जो मिनिमल परसेप्टिबल एम्परेज है ना, यानी कि सबसे कम करंट जो ह्यूमन बॉडी परसीव कर सकती है, दैट इज 1 मिली एम्पेयर. सो इफ द करंट इज लेस देन 1 मिली एम्पेयर, सी दिस इज मिली नॉट एम्पेयर, वी विल नॉट परसीव इट. तो हमें कुछ नहीं होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा. 1 मिली एम्पेयर हमें एक झटका लगेगा, वी वुड अंडरस्टैंड, या हमें पता चलेगा कि हाँ करंट है. 5 मिली एम्पेयर कैन प्रोड्यूस ट्रेमर्स इन मसल. 15 मिली एम्पेयर कैन प्रोड्यूस मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस. 50 कैन कॉज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एंड डेथ. 75 कैन कॉज वेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन एंड 1 एम्पेयर ऑफ करंट, 1 एम्पेयर कैन कॉज वेंट्रिक्युलर अरेस्ट सडन. अब मैं आपको ये जो चार्ट दिया है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 मिली एम्पेयर टू 1 एम्पेयर, उसको एक बारी अपने कॉन्शियस माइंड के साथ में अपने घर की इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कोरिलेट करके देखो. हमारी घर की इलेक्ट्रिकल सप्लाई में अगर आप ध्यान दो ना, तो दो तरीके के प्लग सॉकेट लगते हैं. कभी ना कभी आपने देखा होगा, सुना होगा, इलेक्ट्रिशियन से काम कराया होगा तो दे कीप ऑन सेइंग, वो कई बार कहते हैं ना 5 एम्पेयर का प्लग ले आओ. वो छोटा वाला प्लग जो होता है जिसमें पिंस जो होते हैं वो पास पास होते हैं. एंड देन समटाइम्स दे से पावर प्लग ले आओ. वो जो पावर प्लग होता है वो 15 एम्पेयर का होता है. सो जो छोटा वाला प्लग होता है ना, वो भी 5 एम्पेयर का होता है, उसमें 5 एम्पेयर की सप्लाई आती है. एंड वी आर सेइंग इन मिली एम्पेयर्स पीपल कैन डाई. सो यू कैन एक्चुअली थिंक वॉट काइंड
of a weapon is there in our home, in that even that small plug, if we do not keep all the safety precautions, that small plug run on 5 ampere of current, and at 50 milliampere current can kill. Okay, so it's a very very deadly kind of a weapon. तो ये तो ही हमारी कुछ मैन मेड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर छोटी सी बात. थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं गॉड्स गिफ्ट के ऊपर भी, जो मैंने बताया था आपको लाइटनिंग होती है. ठीक है, तो ये जो लाइटनिंग होती है ना, यू नो कॉन्ट्राडिक्टिंग टू द मैन मेड इलेक्ट्रिसिटी, ये कई हजार वोल्ट्स की होती है. तो अगर हम ये कहें ना कि ह्यूमन हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है दैट इज अराउंड 240 वोल्ट्स और 400 वोल्ट्स, तो लाइटनिंग जो होती है देर आर मैनी थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स. सो यू कैन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पावर दैट लाइटनिंग हैज. दिस ऑल्सो फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कौन सा प्रिंसिपल जो हमने बात करी थी, shortest distance with minimal resistance to earthing. As a result, when the lightning falls onto someone on the earth, kisi thundery night pe, if there is heavy lightning and the lightning falls onto the earth, and unfortunately if it does fall onto somebody on the ground, then this lightning will also try to take the similar pathway, that is the shortest distance to earthing with minimal resistance through the body. Now, out of the two choices, the preferred choice of lightning or current is shortest pathway. तो lightning के पास अगर कोई option है ना shortest pathway का, जिसमें थोड़ा resistance भी ज्यादा है तो भी चलेगा, lightning वो वाला pathway भी ले लेगी, पर उसको जल्दी से जल्दी अर्थिंग चाहिए. ओके, सो ये जो लाइटनिंग है, इफ इट फॉल्स ऑन टू समबडी ऑन द ग्राउंड, वॉट एवर पाथवे इट टेक्स थ्रू द बॉडी, बिकॉज इट इज सच अ ह्यूज डोज ऑफ करंट, थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट, वॉट एवर पाथवे इट टेक्स इन द बॉडी, वेन एवर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द रेड ब्लड सेल्स, इट डिस्ट्रॉयज और lyses the red blood cells. As a result, वो जिस जिस पाथ से जाती है ना, वहां पर red blood cells के pigment release होने चालू हो जाते हैं, because red blood cells are destroyed in the pathway of light. And it may look like this. So, lot of red lines in a fern kind of a pattern develops on the body, or similar thing is what you can see here. Lot of red lines, fern kind of a pattern. These are called as filigree burns or Lichtenberg pattern of burns. Very, very important picture. इस पिक्चर पे बेस्ड, पिक्चर बेस्ड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं आपको, बिकॉज इन द वर्ल्ड ऑफ फोरेंसिक पैथोलॉजी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर. ठीक है, नाउ फिलिग्री बर्न्स का सबसे कॉमन एरिया कौन सा हो सकता है. यू सी दिस मोस्ट कॉमन एरिया टू फाइंड फिलिग्री बर्न्स इज द एरिया विच हैज बीन शोन इन द फोटोग्राफ इट्सेल्फ.
That is the shoulder, neck and back area. And why is that? Because of the very common concept. See, जब इतनी तेज thundering और lightning हो रही होती है ना, तो anybody who is on the outside or on the road, they definitely get scared. So they try to run away from the lightning. More often than not, lightning falls on them from the top and probably from the back. So the common area of filigree burns presentation is the top half of the body and maybe the back of the body. That is why we say the shoulder, neck and the back region is the most common area for the development of filigree burns in the body. ठीक है, so ये कुछ principles हैं burns के, lightning के, electricity के. And by the way, the world of thermal injury is much bigger than this. हमारे पास में आज इतना बात करने का time था. I think we utilized that time very judiciously in talking about most of the concepts. कुछ हम बात करेंगे remaining concepts की. We will try and catch those concepts through the MCQ class. So कुछ दिनों में, as we are behind MCQ class में, हम पीछे पीछे चल रहे हैं ना. So हम कुछ दिनों में जब MCQ class को पकड़ लेंगे ना, जिस दिन इंजरीज में थर्मल इंजरीज की बारी आएगी, उसमें कुछ नई चीजें हम एमसीक्यू क्लास में भी बात पक्का करेंगे. ठीक है, सो अगर ना आज की क्लास में आपको कोई ऐसी चीज लगी विच इज वर्थ शेयरिंग और यू वॉन्ट टू हैव अ क्वेरी, टेलीग्राम ऐप पे मुझे livedaily.me/neetpg पे कॉन्टैक्ट कर लो. We can mutually solve that. That's not a problem. Unacademy का subscription. Oh, ये platform ही Unacademy का है जिसपे हम अभी बात कर रहे हैं. तो subscription की qualities तो अभी तक आपके सामने वैसे ही सामने आ जानी चाहिए. नहीं आई है, कोई बात नहीं, दोबारा देख लो. लाइव क्लास है, मैं अभी भी आपके साथ लाइव हूँ. यही होता है उस प्लेटफॉर्म पे भी, सब्सक्रिप्शन पे. इंटरैक्टिव क्लास है, मैं तो आपसे इंटरैक्टिव बात ही कर रहा हूं, बट अनफॉर्चुनेटली आप मुझसे नहीं कर पा रहे हो. बट उस प्लेटफॉर्म पे कैसे हो सकती है, बिकॉज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, सो यू कैन कीप ऑन कॉन्टैक्टिंग योर एजुकेटर अगेन एंड अगेन एंड इंटरैक्ट विद हिम अंटिल योर डाउट इज क्लियर. लाइव पोल्स हैं, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी ना रह जाए. एंड एज आई टोल्ड अर्लियर, स्पेशल क्लासेस हैं जो उसी प्लेटफॉर्म पे बनी है जिस प्लेटफॉर्म पे नीट पीजी प्लस होता है. ओके, देखिए स्पेशल क्लासेस एंड नीट पीजी प्लस को सब्सक्राइब करिए. नीट पीजी प्लस को कैसे सब्सक्राइब करना है, ऐप डाउनलोड करना है, कर लिया. मैनेज गोल्स पे जाना है, नीट पीजी सिलेक्ट करना है क्योंकि आपको नीट पीजी चाहिए. वहां पर प्लस को सिलेक्ट करना है, प्लस की सब्सक्रिप्शन का बटन दबा देना है. प्लस की सब्सक्रिप्शन का बटन दबाओगे, वो आपसे पूछेगा आपको कितना सब्सक्रिप्शन चाहिए. आपको 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है. अगर इसी साल एग्जाम दे रहे हो, 12 महीने का ले लो. अगर आपका गोल नीट पीजी 222 है, तो आप 2 साल का लो. बेनिफिट क्या है, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन में आप मिस कुछ नहीं करोगे. नए एजुकेटर्स आते रहेंगे, आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहोगे. एक आधी महीने के सब्सक्रिप्शन में ये सारी चीज़ें लिमिट हो जाती हैं. ठीक है जी, और क्या करना है, मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है, डॉक्टर सुमित लाइव. उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट में 10% का डिस्काउंट मिलेगा. सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना कॉस्ट करता है आपको, 12 महीने के लिए 24 महीने के लिए 36, 2 साल के लिए 36 और 12 महीने के लिए 2470. ठीक है, ये पैसे आप कैसे पे कर सकते हो, यू कैन पे इन पार्ट्स, यू कैन यूज डेबिट क्रेडिट कार्ड, नो ईएमआई कॉस्टिंग अवेलेबल, यूपीआई इज अवेलेबल. सो पेमेंट के बहुत सारे मोड अवेलेबल है.
ये आपने दे दिया, आपका काम हो गया, यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ नीट पीजी प्लस। और जो चीज आप यहां मेरे साथ कर रहे हो, वहां पर आपके साथ में ऐसे ही वंडरफुल एजुकेटर्स हैं जो सुबह से लेकर शाम तक आपको पढ़ाते रहेंगे, आपको जो चीज अपने फायदे के लिए चाहिए वो निकाल लो वहां से। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, लाइक एंड शेयर करो, ठीक है? ओके, कल मिलेंगे शाम को अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ में। कल हम बात करने वाले हैं क्लास वन ऑन फोरेंसिक बैलिस्टिक्स, तो कल हम कुछ बंदूक और गोलियों की बात करेंगे, ठीक है? तो उस क्लास के लिए तैयार रहो। कल एमसीक्यू सेशन नहीं है, संडे की छुट्टी है आपकी, दोपहर की, मेरी भी छुट्टी है। और याद रखना, डॉक्टर सुमित लाइव मेरा रेफरल कोड है, जब भी आप कोई चीज़ खरीदना चाहो अनअकैडमी से, इसे यूज़ करो और 10% का डिस्काउंट पा लो, ठीक है जी? ओके, गुड नाइट, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, टिल वी मीट टुमारो इवनिंग एंड टॉक अबाउट फोरेंसिक बैलिस्टिक्स पार्ट 1। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।